मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। खाने के बारे में और एक नियम है ये कि जब भी आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय आपका चित्त, आपका मन दोनों शांत होना चाहिए। चित्त की शांति, मन की शांति बहुत जरूरी है। मन में कोई धड़पड़ चल रही है, चित्त में कोई धड़पड़ चल रही है तो शास्त्र कहता है अष्टांग में कहा गया खाना नहीं खाना ही अच्छा। चित्त शांत हो, मन शांत हो तो खाना चाहिए। क्या होता है, चित्त और मन की शांति अगर नहीं है तो पाचक रस जो खाने को पचाने के लिए चाहिए वो शरीर में नहीं, और वो पाचक रस नहीं है तो फिर वही समस्या है, जहर बनेगा खाने में। चित्त और मन शांत होना चाहिए, और चित्त और मन की शांति के लिए आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। जैसे आप एकाग्र होकर बैठ जाइए, एक दो मिनट कोई मंत्र का जाप कर लीजिए, ईश्वर की आराधना कर लीजिए, भगवान का स्मरण कर लीजिए, जिसके आशीर्वाद से ये भोजन आपको उपलब्ध हुआ है, जो परमपिता परमात्मा है, उसका दो मिनट ध्यान कर ले, चित्त और मन अपने आप शांत हो। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हमारे साधु और साध्वी भगवान लोगों ने ये जो नियम बना दिए धर्म के, शायद वो स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर और विज्ञान को समझकर ही बनाए हैं। बात ऐसी है कि शब्द दूसरे देते हैं, हमको एक आ गया कि भाई खाना खाने से पहले नमोकार मंत्र का जाप कर लो या कोई मंत्र का जाप कर लो, मतलब क्या है, चित्त को शांत कर लो। जब आप मंत्र जाप करेंगे तो सारी ऊर्जा एक जगह एकत्रित हो गई मंत्र पर, चित्त में शांति अपने आप आ गई, मन में शांति अपने आप आ गई। इसलिए तो आप ईश्वर को याद करें, भगवान की आराधना करें, मंत्र की पूजा करें, जो करना है आराम से दो मिनट खाली बैठ भी जाए उसके बाद खाना शुरू करें, तभी वो खाना शरीर को उपयोग आएगा। मन में अगर कोई तनाव है, धड़पड़ है, टेंशन है, कुछ भी खाएंगे उपयोग नहीं आएगा। तो ये एक